39x43 का ये हाउस प्लान देखिए, ये है 39 फीट चौड़ाई और ये है 43 फीट। घर के सामने एक पोर्टिको है, अगर ये पोर्टिको का प्रोजेक्शन ये 4 फीट का है, अगर इसको मिला लेते हैं तो ये टोटल होगा 47 फीट, यानी 39x47 ये पोर्टिको का प्रोजेक्शन को मिला के। अगर ये पोर्टिको का प्रोजेक्शन न मिलाए तो ये घर का डायमेंशन है 39x43 फीट का। ये एक नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान, यानी एक उत्तर मुखी घर का नक्शा, और ये है घर का फ्रंट साइड, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है बैक साइड, ये है साउथ डायरेक्शन, और ये हमारा राइट साइड, और ये है वेस्ट डायरेक्शन, ये है लेफ्ट साइड, ये है ईस्ट डायरेक्शन। देखिए घर के सामने यहाँ पर है पार्किंग, ये है घर का एंट्री डोर और यहाँ पर है पार्किंग। ऊपर जाने के लिए ये है आउटर स्टेयरकेस, यानी घर के बाहर ये स्टेयरकेस है, आउटर स्टेयरकेस ये पार्किंग के पास। ये स्टेयरकेस का डायमेंशन है 12x8 फीट, यानी ये हॉरिजॉन्टल है 12 फीट और ये वर्टिकल है 8 फीट। 12x8 का ये स्टेयरकेस, और ये स्टेयरकेस के पास यहाँ पर बीच में है पार्किंग 13x12 फीट, यानी ये 13 फीट, ये जो कॉलम है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 13 फीट, और 12x10 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक 13x12 फीट 10 इंच का ये पार्किंग है। और यहाँ पर है मेन एंट्री डोर, ये है फ्रंट पोर्च, यहाँ पर भी आप टू व्हीलर पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेप है, और स्टेप चढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर है ड्राइंग रूम का डायमेंशन है 11x8 इंच x12 फीट, 11x8 इंच, यानी ये हॉरिजॉन्टली है 11x8 इंच, और ये वर्टिकली ये है 12 फीट। यहाँ पर है स्क्रीन पार्टीशन, और पीछे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर है डाइनिंग 11x8 इंच x10x6 इंच का ये डाइनिंग है, ये हॉरिजॉन्टली है 11x8 इंच, और ये वर्टिकली ये है 10x6 इंच। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर, लाइट के लिए यहाँ पर एक खिड़की है, और ये ड्राइंग रूम में भी यहाँ पर बाएं तरफ एक खिड़की और ये सामने एक खिड़की है, और ये है एक 6 फीट 6 इंच वाइड का ये पासेज है आने जाने के लिए। यहाँ पर देखिए बेडरूम नंबर 3 यहाँ पर है, ये एक 3 BHK हाउस प्लान है। यहाँ पर है बेडरूम नंबर 3, 12x12 फीट, यानी ये हॉरिजॉन्टली 12 फीट है और ये वर्टिकली भी 12 फीट है। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक खिड़की, यहाँ पर जो पार्किंग है ये पार्किंग में यहाँ पर एक खिड़की है, और यहाँ पर देखिए ये है बेडरूम नंबर 2, और ये बेडरूम नंबर 2 का डायमेंशन भी सेम, बेडरूम नंबर 3 और ये बेडरूम नंबर 2 ये दोनों का डायमेंशन सेम समान है 12x12 फीट। और लाइट के लिए यहाँ पर एक खिड़की है राइट साइड में, और ये 6x6 इंच वाइड का पासेज, और यहाँ पर ये कोने में देखिए साउथ और ईस्ट कॉर्नर में यहाँ पर है किचन 11x8 इंच x8 फीट 4 इंच, 11x8 इंच, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 11x8 इंच, और ये वर्टिकली 8x4 इंच। वेंटिलेशन के लिए बाएं तरफ यहाँ पर एक खिड़की है, और किचन का वॉशिंग के लिए यहाँ पर एक वॉश एरिया है 7x3x10 इंच का ये वॉशिंग एरिया, 7 फीट हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली 3x10 इंच, और यहाँ पर फिक्स ग्रिल लगेगा लाइट के लिए, और ये है स्टोर, किचन का स्टोर है 7x7x8 इंच का ये स्टोर। स्टोर के पास यहाँ पर है कॉमन टॉयलेट 4x2 इंच x9x9 फीट
4 फीट 2 इंच ये हॉरिजेंटली है और ये 9 फीट है वर्टिकली। यहाँ पर है ये है कॉमन टॉयलेट, और ये कॉमन टॉयलेट के पास यहाँ पर है मास्टर बेडरूम 12 फीट इंटू 12 फीट 4 इंच का ये मास्टर बेडरूम हॉरिजेंटली है 12 फीट और ये वर्टिकली है 12 फीट 4 इंच। पीछे एक खिड़की और ये राइट साइड में भी एक खिड़की है वेंटिलेशन के लिए। और ये मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट 4 फीट 6 इंच इंटू 6 फीट 6 इंच, ये हॉरिजेंटली है 4 फीट 6 इंच और ये वर्टिकली ऐसे ये है 6 फीट 6 इंच। ये एक 3 BHK हाउस प्लान है। ये यहाँ पर है मास्टर बेडरूम और यहाँ पर है बेडरूम नंबर 2 और ये है बेडरूम नंबर 3। इसके साथ साथ एक हॉल यानी एक डाइनिंग और एक ड्राइंग है यहाँ पर, और 6 फीट 6 इंच वाइड का यहाँ पर पैसेज है। एक किचन है और किचन के पास किचन का स्टोर भी है, और बर्तन धोने के लिए यहाँ पर वॉशिंग एरिया है। और इसमें 2 टॉयलेट, एक है अटैच टॉयलेट और एक है कॉमन टॉयलेट। इसके साथ साथ घर के सामने 4 व्हीलर के लिए पार्किंग भी है, फ्रंट पोर्च है, और ऊपर जाने के लिए एक आउटर स्टेयरकेस भी है यहाँ पर। ये वॉल का थिकनेस है 10 इंच का। प्लिंथ एरिया देखते हैं कितना है। प्लिंथ एरिया ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, ये टोटल ये पोर्टिको का प्लिंथ एरिया मिला के ये है 1677 स्क्वायर फीट। दोस्तों, ये नक्शा आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।